सहजनवा तहसील प्रांगण में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह रावत के नेतृत्व में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना की अध्यक्षता गिरीश यादव और संचालन ताज मोहम्मद मजनू ने किया। इस दौरान वरिष्ठ समाजवादी नेता वीरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद यादव, रामनाथ यादव, वीरेंद्र यादव, चिकुरी यादव, मुरारी मौर, मनोज यादव, जिला पंचायत सदस्य दिलीप यादव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर ने संवाददाता से बात करते हुए सपा के पूर्व विधायक यशपाल रावत ने कहा, वो अगर जो कहती है वो सब हम लोग मानने के लिए तैयार। हमारी बात पहुँचाइए, हम लोग को जगह दीजिए, हम लोग अपनी बात को बैठेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आप संदेश को पहुंचाइए, आप उनके प्रतिनिधि, आप संदेश को पहुंचाइए। यशपाल सिंह रावत, ये महंगाई के विरोध में और जो गरीबों की बच्चे का फीस बढ़ा है, बेरोजगारी के विरोध में और यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, गीडा का भी मुद्दा है लेकर, और 14 सूत्री की मांगों को लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कमी और कई कल्याणी योजना जो कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है उसको बंद कर दिया गया है, पेंशन से लेकर तमाम चीज़ें बंद करी, इस मांगों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। एक दिवसीय है, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से हर तहसील मुख्यालय पर, हम लोग प्रांगण में धरना देने का आश्वासन दिया।